रोज रोज मैं ज्यादा वीडियोस डालता नहीं हूँ, काफी 3 4 5 दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाले, क्योंकि अब तक अपडेट ना हो तो अननेसेसरी के वीडियोस में डालता भी नहीं। लेकिन अभी ये अपडेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सचिन वाजे, सबको पता है ये नाम, सचिन वाजे ये वही है जो 5 या 6 जून को अचानक अपॉइंट हुआ था मुंबई पुलिस में, और उसके बाद दिशा केस हुआ, उसके बाद सुशांत केस हुआ, उसके बाद एंटेलिया केस हुआ, उसके बाद अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे वो अंदर गए, फिर उनको बहुत सारी चीज़ें हुई। तो अब सचिन वाजे गवाह ही बन गया है, सब गवाह देने को तैयार हो गया है, और सचिन वाजे अब अनिल देशमुख के केस में सीधा सीधा कोर्ट में गवाही देगा, और फिर अनिल देशमुख को सजा होगी। और मुझे ये इंटीमेशन लग रहा है कि वो शायद सुशांत का केस और दिशा के केस में भी बोलेगा, क्योंकि सचिन वाजे को हमने कई वीडियोस में कूपर हॉस्पिटल में भी देखा, सुशांत के केस में ये ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ये बहुत सारी चीज़ें प्रूफ भी करती है वो इन्वॉल्व है इस केस में। और मुंबई पुलिस ने जो काम किया सुशांत के केस में ये तो हमने बहुत बार बहुत जगह देख ही लिया है, कितना जल्दी ही उन्होंने इस केस को निपटाने की कोशिश की। अब सचिन वाजे की तरफ से जो भी बोल रहे हैं कि शायद सचिन वाजे की तरफ से केस सॉल्व होगा, लेकिन अनिल देशमुख का जेल जाना शायद अब 100% वो उसका केस अनिल देशमुख वाला एंटेलिया केस जरूर सॉल्व होगा, 100 करोड़ वसूली का मामला भी सॉल्व होगा, और शायद यहीं से लगता है कि सुशांत का केस भी सॉल्व होगा। होप सो अभी जल्द से जल्द शायद इंसाफ मिले। मैं तो चाहता हूँ 14 जून के पहले, जो अभी 2 साल कंप्लीट हो जाएगी उससे पहले अगर CBI करती है, तो जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट और CBI बेसिकली, तो शायद वो इंसाफ मिलने के बाद बढ़ जाएगा और वो विश्वास बना रहेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए समाज में जो रहता है, और कानून व्यवस्था एक समाज को सही तरीके से रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई जंगल कानून नहीं चलता है, और यहाँ तक कि जंगल में भी लोग अपने अपने कानून के हिसाब से रहते हैं, बंदर पेड़ पे रहते हैं, लोग इसमें चलते हैं, इस वहाँ पे भी कानून चलता है जानवरों का। तो यहाँ इंसानों में एक सामाजिक तौर पे कानून व्यवस्था सही रहना, इंसाफ मिलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद जो भी काम किया है CBI ने एंटेलिया केसेस में, और सचिन वाजे को अब जब से गवाह बन गया है वो अब गवाही देगा, क्या क्या बोलेगा वो देखना ज़रूरी है, लेकिन जब वो बोलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अपडेट सही है कि सचिन वाजे गवाही बन चुका है, वो इसके सारे के सारे अनिल देशमुख से रिलेटेड सारी चीज़ें अब कोर्ट को बताएगा, और वहाँ से फिर जो सज़ा होगी वो होगी, और शायद यहाँ पे सुशांत केस के मामले में भी कुछ निकल सकता है, क्योंकि ये अनिल देशमुख यही थे जिन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में CBI की कोई ज़रूरत नहीं। होप सो देखते हैं ऐसे ही खबरों के साथ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।